हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद केके में। आज की जो हमारी बुक है एमए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नोर करे हैं। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये आपके ड्यू में भी, अगर आप ड्यू से फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड थर्ड ईयर में हो उसमें भी है, और इग्नू में अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है उसमें भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम है जो अभी हाल ही में हुआ है। तो इसका ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का टाइम मिलता है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 500 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। तो इसकी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF बनाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी अपलोड किए थे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे क्या, सारे ही क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में से आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखे थे। तो आप ये देख सकते हैं आगे जो आप स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देंगे उनों के लिए भी है ये, जो जून में देंगे वो भी आगे जब फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे तो वो मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी उनों के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं आपको, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल भी जाएंगे और कुछ क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन भी कर रखे थे जो 2-3 वीडियो में, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे को लगता है आज का एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स का अच्छा गया होगा क्योंकि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा आया है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस यही आपको बताना था। और अगर आपको MPS 2, 3, 4 या फिर सेकंड ईयर के कोई PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम है, वो हिंदी मीडियम का था। तो आप यहाँ देख सकते हैं MPS 1 है, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे मिलते हैं, वही सब प्रोसेसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इस पोज करके वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसको चला देती हूँ ताकि आप लें। तो अगर आपको आगे इन फ्यूचर में आपको ये सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, फिर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँ समझाऊँ, तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज करना, तभी फिर मैं इस पर आगे वीडियो बनाऊँगी एक्सप्लेन वाले, ताकि स्टूडेंट को समझ आ सके। और इस पर चैप्टर्स वाइज भी बना दूँगी अगर पॉसिबल हो पाए हो, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर दूँगी अगर आप मैसेज करेंगे कमेंट कर। तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इसके ले सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट जो अब जून में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। और जो अब दे ही रहे हैं दिसंबर में एग्ज़ाम वो तो सब पढ़ ही रहे होंगे, और आपको जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट फैब में, तो MPS 2, 3, 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे को बता सकते हैं। अदरवाइज मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वीडियो पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। 3, 4 का तो मैंने बहुत सारे PDF भी अपलोड कर रखे हैं, इस पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और MPS जो 2 है उसके लिए आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कुछ असाइनमेंट दूँगी जो उसमें क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के अपनी बुक में से ढूंढ के उसके आंसर दे सकते हैं। तो बस आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर मैं कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो लाती हूँ तो आपके पास ईजिली पहुँच जाए, आप बिना कोई सर्च करें आपको पता चल जाए कि क्या न्यू अपडेट आई है इग्नू में, या फिर आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या अपडेट आई है, हॉल टिकट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड। और स्टूडेंट ये भी बताना, जो स्टूडेंट अब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो अपना जब री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और मैंने इस पे वीडियो बना भी रखी है, वो ज़रूर देख लेना। क्योंकि सेकेंड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, कोई पढ़ने का साधन सही से नहीं मिल पाता, या फिर उन बुक के बारे में उनको अच्छे से कुछ पता नहीं होता है, तो वो सब अच्छे से सिलेक्ट करिए। और उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।